वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। आप देख रहे हैं थंडर व्हील्स इंडिया की एक और नई वीडियो एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, ये कार अभी मैंने परचेज करी है, ग्रैंड आइटन नियोस फेसलिफ्ट। सो इस कार का आई मीन इट्स कम्प्लीटली अ ओवरव्यू ऑफ दिस कार। सो आई रियली लव द पार्ट ऑफ दिस कार इज दैट कि इसमें हमें मिलते हैं कमाल के फीचर्स। आई मीन इफ आई टॉक अबाउट द क्रूज कंट्रोल, वेल इस कार के फ्रंट लुक की अगर मैं बात करूं तो वो कम्प्लीटली जो है चेंज मिलता है हमें इसके प्रीवियस जनरेशन से। सो फ्रंट में हमें मिलते हैं इसमें ग्लॉसी ग्रिल, आई मीन उसके ऊपर मिलता है हमें Hyundai का बड़ा सा लोगो एंड हेलोजन विथ प्रोजेक्टर लाइट मिलती है हेलोजन के साथ में, जो कि काफ़ी अग्रेसिव लगती है इन टर्म्स ऑफ लुक्स। एंड साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार इज दैट, ये तो सिमिलर ही है साइड प्रोफाइल तो उसका। एंड सो इफ आई टॉक अबाउट द बैक प्रोफाइल ऑफ दिस कार, सो बैक में काफ़ी सारे चेंजेस हमें इसमें मिलते हैं। द कनेक्टिंग टेल लाइट इसमें आ गई है विच इज़ नॉट फंक्शनिंग, बट हाँ आफ्टर मार्केट हम इसको करवा सकते हैं। बाकी रिवर्स कैमरा एंड दो पार्किंग सेंसर इसमें हमें मिलते हैं, स्पोर्ट्स की बैजिंग ग्रैंड आइटन की बैजिंग इसमें हमें मिलती है एंड साइड प्रोफाइल से काफ़ी अग्रेसिव लगती है, साइड प्रोफाइल से भी काफ़ी क्यूट और अग्रेसिव लगती है। एंड टायर साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हमें मिलते हैं ट्यूबलेस टायर इसमें हमें मिलते हैं MRF के, एंड साइड प्रोफाइल है इसकी 175/60 R15, यानी कि 15 इंचेस के हमें साइड प्रोफाइल मिलते हैं, टायर मिलते हैं। एंड ये जो है काफ़ी अच्छा लगता है, दिस इज़ नॉट अ एलॉय व्हील्स, इट्स अ व्हील कवर। सो आई रियली लव द वे दे डिज़ाइन द पैटर्न ऑफ दिस व्हील कवर। एंड इफ आई टॉक अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस कार, तो उसके लिए मैं आपको इसका बोनट ओपन करके दिखाता हूँ। कार के इंजन के स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो वो है, एक सेकेंड, तो इसमें हमें मिलता है 1.2 लीटर का कापा सीरीज का इंजन, जो कि जिसमें जो पावर प्रोड्यूस करता है, पावर देता है 69 NM की और टॉर्क देता है 65 NM का। एंड इफ आई टॉक अबाउट द लुक एंड फील एंड द इंटीरियर ऑफ द कार इज दैट कि इंटीरियर के मामले में काफ़ी रिच एंड फील लगती है कार, काफ़ी स्पेसिंग है। ये सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है एंड ये आप देख सकते हैं मेरी हाइट होगी 5.9 के अप्रोक्स एंड इसमें हमें लेग स्पेस इतना मिलता है। सीट की कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है एंड ओवरऑल लुक एंड फील जो है वो कार की काफ़ी अच्छी है, काफ़ी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं होता, आई मीन काफ़ी ब्रॉड फील होता है और काफ़ी खुली लगती है कार। सीट का जो यहाँ पे हमें मिलता है फैब्रिक एंड इसके नीचे की तरफ यहाँ पे हमें दिया गया है लेदर एंड इसमें तीन बंदे इजीली जा सकते हैं बैक पे बैठ के हम तीन बंदे इजीली जा सकते हैं। और काफ़ी अच्छी कार लगी मेरे को इन टर्म्स ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ फैमिली, सो काफ़ी अच्छी है एंड आई हाईली रिकमेंडेड कि आप एक बारी तो जाके इसकी टेस्ट ड्राइव लें। सो ये कुछ ऐसा है इसका इंटीरियर का लुक एंड हेलोजन मिलता है सारे बल्ब एंड ऑल, काफ़ी हाइट भी काफ़ी अच्छी है ऊपर रूफ की। सो एक बार मैं आपको इसका बूट भी दिखा देता हूँ सो यू कैन ईजिली रिलेट दैट। ये
बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा है इसका। इसके अगर मैं टायर साइज की बात करूँ स्टेपनी के, तो उसमें हमें मिलता है R14 165/70 R14, यानी कि एक साइज कम है इसका रेगुलर टायर से। एंड आई रियली लाइक दैट कार। बाकी आपके साथ कंप्लीट ओवरव्यू तो शेयर करता रहूँगा कार का, जो भी फील करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आपने यहाँ तक देखा है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड हाईली रिकमेंडेड दिस कार। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा है गाइज, इफ यू सी दैट पार्ट। तो चेंज करना भूलिया। अरे पैसे।